हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएम मैथ क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए का कंप्लीट सिलेबस के बारे में, इनके कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जो अभी हम लोग 2022 के सिलेबस है, और इस सिलेबस में लगभग हम लोग आज की क्लास में ये चीज़ को देखेंगे, 5 ईयर्स का कट ऑफ मार्क्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस सिलेबस में मैथ से और जनरल एफडी यानी दो पेपर होता है, इस एनडीए के सिलेबस में दो पेपर होता है, जो दोनों पेपर में किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों पेपर का फुल मार्क्स क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइमिंग का क्या होता है, और इन सारे टोटल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए गैस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और जिससे कि आपको ये लाइफ का एक पहला जो स्टेप 12 फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जब लाइफ का पहला स्टेप स्टार्ट होता है, तो उसके लिए कि ये भी एक सपना होता है कि कोई एयरफोर्स बनना चाहते हैं, कोई और कुछ बनना चाहते हैं, तो आज के लिए आपका सपना है एयरफोर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास है कंप्लीट सिलेबस अबाउट एनडीए एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एनडीए क्वालिफाई करने के बाद वो एयरफोर्स बनता है, यानी उसकी सिलेक्शन होती है एयरफोर्स में। इसमें जो एज लिमिट रहता है उसके बारे में भी आज डिस्कस कर लेते हैं। और आज का सिलेबस जो हमारा है वो 2022 का सिलेबस है। चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पेपर, इनमें जो एग्ज़ाम होती है ये एग्ज़ाम दो पेपर में होती है, और दो पेपर जो कंटेन होता है, ये पहला पेपर आपके पास जो होता है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स का होता है, और दूसरा पेपर जो होता है आपका वो होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी ये दो पेपर में एग्ज़ाम को क्या कंटेन किया जाता है। और जो एग्ज़ाम होती है वो एक ही दिन में एग्ज़ाम होती है, यानी फर्स्ट सीटिंग में आपके पास मैथ होती है, और सेकेंड सीटिंग में आपके पास जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी आपके पास जीएटी होती है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पेपर जो आपके पास मैथ होती है वो पेपर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो एक मार्क्स का होता है। तो रिटन एग्ज़ाम जो होता है ये आपके पास मैथ में टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके पास 120 यानी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास टाइम का ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स रहता है। और एवरी क्वेश्चन ऑफ मार्क्स यानी जो एनडीए का जो एक क्वेश्चन अगर मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं एनडीए एग्ज़ाम में, तो आपके पास यानी 2.5 मार्क्स यानी आपके पास 2.5 मार्क्स मिलता है। अगर इस जगह पे नेगेटिव मार्क्स भी रहता है, अगर इस जगह पे आप एक मार्क्स एक क्वेश्चन अगर मिस्टेक कर देते हैं, तो इस जगह पे आपके पास 0.83 यानी अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो 1/4 यानी इतना क्वेश्चन इतना मार्क्स क्या हो जाता है आपका कट जाता है। टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 का होता है, 300 का मार्क्स होता है टोटल, और क्वेश्चनों की संख्या होती है आपका कितना 120। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट पेपर में इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रिटन एग्ज़ाम है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन आपका जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। अब दूसरा आपके पास जो होता है ये होता है सेकंड पेपर का, देख लेते हैं। सेकंड पेपर जो होता है जिससे कहते हैं जीएटी होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और इसमें टोटल क्वेश्चन होता है 150 यानी 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता है यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स यानी 2.5 घंटा, जिसे कहा जाता है कि 2.5 घंटा इसमें आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें आपके पास एवरी क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो होता है वो होता है आपके पास 4 मार्क्स का, यानी ये क्वेश्चन अगर आप राइट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, और ये क्वेश्चन अगर मिस्टेक करते हैं तो उनमें आपके पास 1.33 मार्क्स क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है यानी कट जाता है। और इसमें टोटल मार्क्स जो होता है इससे पेपर में वो 600 मार्क्स यानी 600 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, यानी सेकंड पेपर जो होता है तो आपको 600 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है।
और कुछ इम्पोर्टेंट बात इसमें यह होती है कि अगर आपके पास जैसे फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स होता है, जब आपके एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हैं तो अगर फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई नहीं है तो सेकेंड पेपर आपका क्या किया जाता है, चेक नहीं किया जाता है। इसीलिए गैस आप कोशिश करेंगे कि आपका जो फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स है इसमें कोशिश करेंगे आप क्वालिफाई होने की। क्वालिफाई होने की आपके लिए ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, जैसे इस बार का 22 का सिलेबस तो है, लेकिन अगर हम लोग 21 का अगर कट ऑफ मार्क्स देखेंगे तो वो कट ऑफ मार्क्स आपके पास है 350, यानी आपके पास 350 मार्क्स अगर आप आ जाते हैं आपका एनडीए के सिलेबस, यानी आप अगर देखेंगे कि इसका 300 और इसका क्या है 600, दोनों मिला के आपके पास 900 का होता है फुल मार्क्स। जैसे होता है एनडीए का फुल मार्क्स जो होता है 900 में आपको लाना क्या पड़ता है 350, किसी किसी बार 400 तक पहुंच जाता है। तो यानी आप एवरेज में अगर देख सकते हैं तो 50%, यानी कोई भी अगर मैथमेटिक्स से और आपके पास ये जीएटी से अगर दोनों पेपर मिला के अगर 50% के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होना फिक्स है। इसीलिए आप केयर करेंगे कि आपके पहला पेपर क्वालिफाई होना अति आवश्यक है। अगर पहला पेपर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सेकंड पेपर का क्वेश्चन आपकी जाँच नहीं होगी, इसीलिए फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे कि ये फर्स्ट पेपर जो आपके पास मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में कौन सी चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा यूनिट आते हैं, ये सारी डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। चलिए गाइस, अब हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स जो आपके पास है ये सेकंड फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में 11-12 से क्वेश्चन आता है और 11-12 ही एनडीए का जो फर्स्ट पेपर होता है वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट आपके पास जो होता है वो अलजेब्रा होता है। वो अलजेब्रा में पहले आपको जानना पड़ता है जो कि 11 से रिलेटेड है, सेट थ्योरी को जानना पड़ता है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होता है लॉगरिथम, जो लॉगरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो होता है वो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपके 11 का जानना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्या, बाइनोमियल थ्योरम। ये फर्स्ट यूनिट का जो है आपके पास ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एक टॉपिक से अगर देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंड यूनिट में जो आपके पास होता है वो है त्रिकोणमिति, यानी ट्रायग्नोमेट्रिक्स से जो आपके पास पूछा जाता है वो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास डीएफ यानी ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसी तरह से ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वो है आपके पास 3 यूनिट्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आपके पास बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट है वो 4 यूनिट है। 4 यूनिट जो है वो कैलकुलस है। कैलकुलस से आपका जो टॉपिक है वो आपके पास डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट डीई है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी इसी में ऐड रहता है नहीं कैलकुलस में, तो कैलकुलस से भी क्वेश्चन जाते आते हैं आपका एनडीए के एग्जाम में। उसके बाद आप 5 यूनिट में देखेंगे तो वो 5 यूनिट जो होता है 2D एंड 3D का होता है, यानी 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसके बारे में पूछा जाता है, पहला हो गया आपके पास रेक्टेंगल के बारे में, उसके बाद सर्किल के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और स्ट्रेट लाइन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 है। ये 6 यूनिट में आपके पास जो होता है वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट पेपर यानी मैथमेटिक्स से इस सारी टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है एनडीए एग्जाम में। इस टॉपिक में जैसे कि आपने देखा है कि 300 मार्क्स यानी 300 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर इसमें आप कम से कम 60% की मार्क्स अगर ला लेते हैं इनमें तो आप क्वालिफाई 110%
की गारंटी हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसीलिए फर्स्ट पेपर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो आपका है वो जीएटी है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो 600 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें कौन कौन सी बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि इंग्लिश से आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंग्लिश के सिलेबस से 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिजिक्स से आपके पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री से आपके पास 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एनडीए के सेकंड पेपर के एग्जाम में। ज्योग्राफी से आपके पास आएगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन, और हिस्ट्री से आपके पास आएगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन, और करंट अफेयर से आपके पास आएगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक बच गया आपके पास जनरल साइंस, यानी इससे भी आपके पास आएगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन। इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो आपके पास 600 का मार्क्स पूरेगा, और ये सारे चैप्टर यानी ये सारे बुक को भी आपको क्या करना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है। सबसे पहली बात है कि आपके पास जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उससे जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके पास एमसीक्यू, ये भी पेपर एमसीक्यू का ही होता है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपके पास कुछ वर्ड का प्रॉब्लम होता है, यानी आपके पास जो सेंटेंस दिए जाएंगे उस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक को चूज करना है। तो इस तरह से इसका सिलेबस थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। जैसे कि सेकंड पेपर में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 4 मार्क्स एक क्वेश्चन अगर आपके पास सही होता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको मिलता है। उसी तरह से आपके पास फिजिक्स में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होते हैं, इसमें ज्यादातर आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, इसीलिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में जो आपके पास 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें भी ज्यादातर क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। उसके बाद ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट सब होता है, हिस्ट्री में भी कुछ इस भी जैसे कि किसने कब जन्म लिया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद करंट अफेयर, यानी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर अगर 22 में आप एनडीए एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि 21 का देखना है, 22 जो अभी स्टार्टिंग हुआ इनका भी देखना है करंट अफेयर, जो कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका नेगेटिव वर्ड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जनरल साइंस यानी साइंस से रिलेटेड, यानी सारे जैसे कुछ कुछ फोन फॉर्म के रिलेटेड आपसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखने जाएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनडीए का जो एग्जाम फेस करने के लिए आपके लिए क्या आपके लिए जरूरत है, इस चीज को हम लोग देखने के लिए जाएंगे। इसीलिए आप एग्जाम से 600 सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर 300 यानी 303 दोनों को मिला के 900 मार्क्स का एग्जाम जो आप फेस करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अगर इसमें 40 से लेके 50 के बीच भी अगर करेक्ट क्वेश्चन मारते हैं यानी नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। जैसे कि कुछ हम लोग देखेंगे 6 साल का कट ऑफ मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे 2021 में 900 में आपका नंबर कितना आया, 350, जिसके इसका सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरह से 2020 में यानी 2020 में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उसका कट ऑफ मार्क्स रहा है 340 यानी 340 ही रहा है, 900 में 340 अगर एग्जाम में लाया तो उसका सिलेक्शन पक्का हो गया। उसी तरह से आपके पास 2018 में अगर आप देखेंगे यानी 2018 में देखेंगे तो 338 मार्क्स ही उसका सिलेक्शन हो गया है। उसी तरह से आपके पास 2017 में अगर देखेंगे तो 342 ही उसका सिलेक्शन हो गया है। 2016 में देखेंगे तो आपका 288 यानी सबसे अगर कम रेट अगर देखा जाए तो 2016 में कट ऑफ मार्क्स बहुत ही कम रहा है, देखिए यहाँ पे 288 इतना अगर उसने नंबर लाया तो उसका सिलेक्शन फिक्स हो गया है। उसी तरह से आपके पास 2015 में अगर देखिएगा तो इसमें ये रहा है 306 यानी आपके पास 900 में 306 नंबर आया तो उसका सिलेक्शन हो गया। इसीलिए आप एग्जाम को देख के घबराइए नहीं, फिर एग्जाम को आप क्या करेंगे, फेस करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे 12th पास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है सारे एग्जाम के एनडीए का एग्जाम फॉर्म को क्या करेंगे, फिलअप करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल में अगर बने रहेंगे तो आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें जो एज लिमिट होता है तो वो आपके पास एज लिमिट जो होता है कि फॉर्म भरने का और
फॉर्म कंप्लीट करने, एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, जॉब तक सिलेक्शन होने के लिए आपके पास यानी 19 इयर्स यानी 19 इयर्स साढ़े 19 इयर्स तक ही आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं, यानी 19.5 साल के अंदर ही आप सिलेक्शन हो सकते हैं। इनको सिलेक्शन करने के लिए आपको कम से कम 1 साल का वक्त लगता है, जिसमें आपका एग्जाम से लेके दो फेज में एग्जाम होता है। जैसे पहला फेज में आपका रिटन एग्जाम होता है और दूसरे फेज में आपके पास जो होता है वो BSSC एग्जाम होता है, जिसको वो इंटरव्यू के तौर पे लिया जाता है। तो इस तरह से आपका NDA का सिलेबस इसी तरह से जानना जरूरी है, जो कि आपके पास इस बार के लिए यानी 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में आज ने हम लोग डिस्कस किया। तो इस वीडियो को जरूर आप क्या करेंगे, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, जिसमें आपको जिस तरह की परेशानी आएगी उस तरह का कमेंट करेंगे, जिससे आपको इसमें बारे में बताया जाएगा। जो आपकी परेशानी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू ऑल गाइस।